नमस्कार। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, साफ रहो। अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स। हमारा चल रहा था दूसरे प्रकार का राइबोसोम्स। पिछले वीडियो में हमने 70 एस प्रकार के राइबोसोम्स के बारे में बताया था। अब डिस्कस करेंगे 80 एस प्रकार के राइबोसोम्स के बारे में। एक्चुअल में 80 एस राइबोसोम्स परिमाप में भी बड़ा होता है 70 एस से, और इसका जो अवसादन गुणांक है वो एस 80 एस है, अर्थात 80 स्वेडबर्ग। इसको हमने बताया था कि स्वेडबर्ग के रूप में इसका एटॉमिक वेट 4.6, आणविक भार 4.5 × 10^6 डाल्टन होता है, जबकि इसकी लंबाई औसत 300 से 350 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। लेंथ 300 से 350 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जबकि विड्थ जो है वो 200 से 240 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये सभी कोशिकाओं में, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में प्राय पाया जाता है, और उन कोशिकाओं में भी विशेष रूप से कोशिकाधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा केंद्रक की सतह पर ये ग्रेनुलर्स दानेदार संरचना के रूप में पाया जाता है। इसमें यदि इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में जिक्र करें तो इसकी स्ट्रक्चर्स भी उसी तरह से दो सब यूनिट से बनी होती है, और इसमें पहली सब यूनिट्स यानी छोटी उप इकाई 40 एस की, जबकि बड़ी उप इकाई इसकी 60 एस की होती है। 40 एस जो देखने में उससे यानी 70 एस वाले से 30 एस वाले से बड़ा है, और 60 एस भी 50 एस से बड़ा है। 40 एस में इसमें 18 एस आरएनए तथा 30 प्रोटीन होती हैं। 18 एस प्रकार का आरएनए और 30 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जबकि 60 एस सब यूनिट में 3 प्रकार के आरएनए, अर्थात जो 28 एस आरएनए, 5.8 एस आरएनए और 5 आरएनए, 28 एस आरएनए, 5.8 आरएनए और 5 एस आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए विशेष रूप से पाए जाते हैं, और जो प्रोटीनों की संख्या है वो 40 से भी अधिक यानी लगभग 45 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यदि कार्यों का जिक्र करें तो राइबोसोम्स के कार्य, विशेष रूप से इसका महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह भी प्रदान करता है, और प्रोटीन संश्लेषण के कारखाने के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड्स तथा एंजाइमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और टीआरएनए तथा आरएनए को जोड़ने का काम भी, जो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए है, प्रोटीन संश्लेषण के समय उनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उनको जोड़ने का काम भी यही करता है। मैं समझता हूँ कि आरएनए जो सेल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपकी समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल एक्टिव ऑर्गेनल्स है। समझेंगे, हमारी वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ये धन्यवाद।